वेल दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज पर। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आप सभी दर्शकों को बताने वाले हैं बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई के बारे में। हम आप लोगों को बता दें कि रश्मि देसाई का एक्टिंग जितना ज्यादा पॉपुलर नहीं है टेलीविजन इंडस्ट्री में, उससे ज्यादा तो उनके रिलेशनशिप पॉपुलर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रश्मि देसाई ने अपने को स्टार नंदिश संधू को डेट किया और उसके बाद उन्होंने साल 2015 में उनके साथ शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा इन दोनों का रिलेशनशिप, जिसके बाद रश्मि देसाई ने नंदिश को डिवोर्स दे दिया और जिसके बाद रश्मि देसाई अपने हमारी अधूरी कहानी के को स्टार लक्ष लालवानी को डेट करने लगी। हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे कि लक्ष रश्मि से 10 साल छोटे थे और रश्मि इनसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। इनके प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी माँ से लड़ाई तक कर ली थी लक्ष के लिए और अपना घर भी छोड़ दिया था लक्ष की खातिर, और इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन रश्मि का गुस्सा इन दोनों के रिलेशनशिप के दरार की वजह बन गया, क्योंकि रश्मि हमेशा लक्ष पर हुकूमत चलाना चाहती थी और यह बात लक्ष को पसंद नहीं आई और लक्ष ने यहाँ तक कि एक पार्टी के दौरान गुस्से में आकर दारू की बोतल तक फोड़ दी थी और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। खबरें तो यह भी आती हैं कि रश्मि दिल से दिल तक की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार सिद्धार्थ शुक्ला को भी डेट किया करती थी, जिनके साथ अब वह दुश्मनी निभा रही है बिग बॉस के घर में। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि फिलहाल रश्मि देसाई अरहान खान को डेट कर रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो बिग बॉस के घर में साथ में थे, पर ऐसी कुछ खबर तो आई नहीं। हम आपको जानकारी के लिए बता दे कि अरहान खान का इविक्शन हो चुका है और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अरहान खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उसके और रश्मि के बीच फ्रेंडशिप से भी ज्यादा कुछ है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, प्लीज आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।